बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो इस तरह का सवाल मैंने फेडरल बोर्ड के एक पेपर में देखा है, तो मैंने कहा कि चलें आपको ये सॉल्व करवा दूँ। तो अब इस सवाल में जो बेसिक है वो क्या है कि आप अगर ध्यान से देखें तो उसने ये एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 130 डिग्री और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 110 डिग्री। तो अब वो एक इंटीरियर एंगल आपसे डिमांड कर रहा है कि ये मुझे मालूम करके दें। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो हमें मालूम है कि ये जो पूरा एंगल होता है हमारे पास, ये टोटल एंगल होता है जी हमारे पास 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर 130 डिग्री है, तो 130 प्लस, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स का, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए हमारे पास। ये हमारे, अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 180 माइनस 130, तो यहाँ पर इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप अगर इस एक्सटीरियर एंगल पे आएँ तो यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास रहता है, मैं इसको नाम देता हूँ y का। तो यहाँ पर अब आप देखें तो y यहाँ पर, तो क्या बनेगा, y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर y की वैल्यू को मालूम करें तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो ये हमारे पास बनता है 70 डिग्री। अब आप अगर गौर करें तो ये जो x है ये हमारे पास आ गया है 50 डिग्री और ये जो y है ये हमारे पास आ गया है 70 डिग्री। अब यहाँ पर जो समझने और लॉजिक की बात है वो क्या है कि ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल होते हैं तीनों, वो होते हैं हमारे पास 180 के इक्वल, 180। अब ये एंगल है x, ये हमारे पास है, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ 50 डिग्री। ओके, अब ये 50 है, प्लस 70 डिग्री, प्लस तीसरा जो इंटीरियर एंगल है वो है p, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पर हमने p को फाइंड आउट करना है, तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 प्लस 70। तो यहाँ पर आप देखें 180 डिग्री हमारे पास माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा जी हमारे पास 120 डिग्री। तो यहाँ पर अब 180 और 120 को अगर आप आपस में माइनस करें तो 180 माइनस 120, तो ये आपके पास 60 डिग्री बचता है। तो ये एंगल आपके पास कितना होना चाहिए, 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, तो हमारे पास ये जो पी है ये आ जाएगा जी 60 डिग्री। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फेडरल बोर्ड में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं ये जब आप लोग थ्योरम्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बेसिक सारा कॉन्सेप्ट यही होता है, तो उनको लाजमी ध्यान से देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।